नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी स्पोर्ट्स लाइव और बीपी लाइव, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। कल चेन्नई और मुंबई के बीच आईपीएल का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहां पर चेन्नई ने मुंबई को उनके घर में, उनके होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में हरा दिया। मुंबई रन चेस के लिए गई, लेकिन चेन्नई ने जितने रन बोर्ड पर लगाए थे, मुंबई उसको हासिल करने में चूक गई। रोहित शर्मा का शतक भी आया, लेकिन फिर भी मुंबई रन चेस में सफल नहीं हो पाई। लेकिन रोहित शर्मा के शतक आने के बाद लोग विराट कोहली के नाम की चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर, खास तौर से प्लेटफॉर्म एक्स पर, क्योंकि जब विराट ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी, तो कई लोगों का कहना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और हर जगह चर्चा होने लगी थी कि विराट जो 67 गेंदों में सेंचुरी लगा रहे हैं वो काफी स्लो है। आप सेंचुरी लगा रहे हैं, आप 100 रन लगा रहे हैं, लेकिन 67 गेंदों में सेंचुरी लगाना शायद T20 क्रिकेट के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्राइक रेट काफी स्लो मानी जाती है। अब जब कल रोहित शर्मा ने 207 के रन चेज में शतक लगाया, तब दोबारा से विराट कोहली का नाम चर्चा का विषय बन गया। क्यों? रोहित शर्मा ने लगभग सेम स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी कल लगाई थी। विराट ने 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई, रोहित ने कल 61 गेंदों में सेंचुरी लगाई, वो भी तब जब आप पहाड़ जैसा रन चेज करने जा रहे थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि दोनों की स्ट्राइक रेट एक बड़ा मसला है। रोहित शर्मा का खैर उतना ज्यादा इस पर जिक्र नहीं है। अब दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया, लेकिन विराट कोहली के शतक की चर्चा कुछ ज्यादा होने लगी, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट लोग कह रहे हैं कि स्लो है। अब रोहित शर्मा ने भी 61 गेंदों में शतक लगाया, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के पास इसके अलावा क्या विकल्प है? क्योंकि सामने से जब आपके नॉन स्ट्राइक पर आपको कोई साथ नहीं मिलेगा, कोई आपका साथ निभाने के लिए दूसरे छोर पर खड़ा नहीं होगा, तो एकमात्र अकेला बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता। जब विराट कोहली की सेंचुरी आई थी 67 गेंदों में, तो लोग कह रहे थे कि विराट ने धीरे खेला है, लेकिन कोई ये कहने या मानने को राजी नहीं था कि दूसरी छोर पर विराट का साथ देने के लिए कोई और खड़ा भी नहीं है। अब जब कल रोहित की 61 गेंदों में सेंचुरी आई, तब भी यही बात हुई कि रोहित ने सेंचुरी बनाई, लेकिन मुंबई को जीत नहीं मिल पाई। अब यहाँ कारण क्या है? कारण है बाकी बल्लेबाजों का क्रीज पर ना रहना और रोहित का साथ नहीं निभा पाना। तो ये चीज विराट कोहली के साथ लागू क्यों नहीं है? लगभग सेम सिनेरियो था। विराट अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाना चाह रहे थे, वहीं दूसरी ओर कल के मुकाबले में रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे थे, रन चेज में थे, वहां पे उन्होंने वो संभली पारी खेली। लेकिन अगर रोहित को किसी और का साथ मिल जाता, तो वहां पर वो मुकाबला मुंबई जीत जाती। वहीं अगर विराट को उनकी उस पारी में किसी और का साथ मिलता, तो विराट जो उन्होंने 67 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी, वो थोड़ा सा और कम गेंदों में सेंचुरी लगाते और ज्यादा 67 गेंदों में रन बनाते। और ऐसा हम ही नहीं, ऐसा बड़े बड़े दिग्गज भी कह चुके हैं। विराट की जब वो 67 गेंदों में सेंचुरी आई थी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, तब सुनील गावस्कर सर ने भी बोला था कि अगर विराट का किसी और बल्लेबाज ने साथ दिया होता, तो विराट 67 गेंदों में 100 नहीं, 67 गेंदों में 120 रन पर होते। लेकिन जब सामने से किसी और बल्लेबाज का साथ मिलेगा नहीं, तो एकमात्र अकेला बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता। हर बल्लेबाज को गेम सिचुएशन के हिसाब से, गेम रीडिंग के हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। कल रोहित ने भी वही किया, उस दिन विराट कोहली ने भी यही किया। तो स्ट्राइक रेट एक बड़ा पैमाना माना जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन का, लेकिन आप ऐसे लेजेंड खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं उठा सकते जब वो बेहतर खिलाड़ी हैं, जब उन्हें गेम सिचुएशन समझना आता है और वो लगातार अपनी टीमों के लिए मैचेस जीतते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। दो तबका है जो अलग अलग भागों में बट गया है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कि क्या विराट कोहली की जो स्ट्राइक रेट को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है, वो सही है या गलत? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने आपको दोनों पहलू समझा दिए हैं, विराट की सेंचुरी भी, रोहित की सेंचुरी भी, दोनों ने सही बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की। लेकिन जब तक साथ किसी का नहीं मिलेगा, तब तक कोई बल्लेबाज अकेला मैच नहीं जिता सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल यही साफ होनी चाहिए, और यही होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज हो जिसके इर्द गिर्द सारी टीम खेल सके, वो एंकर रोल प्ले करें, स्ट्राइक रोटेट करें, और सामने दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज है वो खुलकर बल्लेबाजी कर सके। आप इस पूरे मसले पर अपनी राय में कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव। इफ यू लाइक को Oh, 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 oh,